और अमित शाह आज भी कर्नाटक में हैं और किसानों का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और क्या क्या कहा सिद्धरमैया सरकार के बारे में, आइए वो आपको सुनाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत मदारा चिन्नैया मठ से की। अमित शाह श्रृंगेरी मठ के शिव मूर्ति शिवाचार्य महास्वामी से भी मिलने पहुंचे। बाद में दावनगेरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने सिद्धरमैया सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीन राज्यों में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही। किसान को आत्महत्या के मामले में ये तीनों राज्यों का आंकड़ा बहुत नीचे है। वहीं कर्नाटक में जेडीएस को बीजेपी की बी टीम बताने पर पूर्व पीएम देवगौड़ा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। देवगौड़ा ने कहा कि राहुल पढ़कर भाषण देते हैं, वो खुद नहीं जानते कि क्या बोलते हैं।